अंदर से जूसी भी है और ऊपर से क्रिस्पी भी है, बहुत अच्छी अंदर से फ्राई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुशामदीद। आज हम स्पाइसी एंड क्रिस्पी फिश तैयार कर रहे हैं जो बहुत मज़े की बनती है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मछली को हम मैरिनेट करते हैं। आधा किलो हमने मछली ली है, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 चुटकी नमक लिया है, क्योंकि पहले मछली को नमक लगा के धोते हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ नमक मिक्स हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट करते हैं। आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए इसे हम छोड़ देंगे। जब तक मछली मैरिनेट होती है तब तक हम उसके लिए ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तकरीबन आधी प्याली हमने पुदीना लिया है, साफ करके अच्छी तरह धो लिया है, और आधी प्याली हमने सब्ज धनिया लिया है, ये भी साफ करके अच्छी तरह धो लिया है, 2 अदद सब्ज मिर्च लिए, नमक हसबे जायका है, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस है। लेमन जूस का ये फ़ायदा होता है कि कलर ग्रीन बहुत अच्छा आता है और पीला नहीं होता। माशाल्लाह चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल लेंगे ताकि थोड़ी सी ज़रा नरम हो जाए। मछली मैरिनेट हो चुकी है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करेंगे। हाथों से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मैदा अच्छी तरह लग चुका है, अब हम इसको साइड पे करते हैं। कोटिंग के लिए हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कलवंजी, 1 चुटकी नमक लिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे हम। अब इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल करेंगे। अब एक एक हम पीस उठा के उसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग बहुत अच्छी तरह लग गई है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें फिश डालते हैं। आंच मीडियम से हल्की होनी चाहिए ताकि अंदर से भी मछली पक जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसी एंड क्रिस्पी फिश तैयार है, मज़े की है और बहुत जूसी भी है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।